समाचार जी विगतवार तो जम्मू काश्मीर अनंतनाग में सोमवार मध्यरात्रि दरमियान आतंकवादी अमरनाथ यात्राळु बस पर हमलो कर्यो हतो। अंधाधुन फायरिंग में 7 गुजराती श्रद्धाळुओं मौत निपजा छे, ज्यारे 19 लोको गंभीर रीते इजाग्रस्त थाय छे। खास करीने मृतकों में 6 महिला ने 1 पुरुष नो समावेश थाय छे। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हुमलो, हुमला खोरोए गुजरात ना यात्रियों की बस ने लीधी बाणमा, 6 गुजरातियों सहित 7 ना मौत। हुमला बाद समग्र देश में व्यापी उठ्यो रोष। काश्मीर अनंतनाग में सोमवार रात्र 8:20 कलाके आतंकवादियों गुजरात ना अमरनाथ यात्राळु बस पर हुमलो कर्यो। हुमला में 6 महिला सहित 7 यात्राळु ना मौत है, जारे 19 यात्राळु गंभीर रीते घायल थया था। गोलीबार हुआ, हम लोग सो रहे थे और दोनों बाजू से गोलीबार हुआ। कितने आदमी थे वो हमको मालूम नहीं है। तो आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग कतरा जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? श्रीनगर से। हाँ, हम अमरनाथ दर्शन करने के लिए गए। सूत्रों जणाव्या प्रमाणे मोटरसाइकिल पर आवेला आतंकवादियों बस पर अंधाधुन गोलीबार कर्यो। घटना ने पगले श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद कर देवामां आव्यो। अमरनाथ यात्रा नो आ 13मो दिवस हतो। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ने गृह प्रधान राजनाथ सिंह जम्मू काश्मीर ना मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती तथा राज्यपाल साथे बातचीत करी हती। इनको कोई सिक्योरिटी वगैरह भी साथ नहीं थी, ये ऐसे ही बस निकली थी श्रीनगर से और बटेंगू अनंतनाग में, वहां पे जब फायरिंग हो गई, क्रॉस फायरिंग, और उसमें जो है 7 लोगों की, हमारे यात्रियों की मौत हो गई। घटना बाद जम्मू काश्मीर ना मुख्य प्रधान महबूबा मुफ्ती इजाग्रस्त लोगों ने मुलाकात करी हती। दुर्घटना की खूब निंदा करी तो बीजी तरफ जम्मू ने काश्मीर ना नायब मुख्य प्रधान निर्मल सिंह आ घटना ने वखूड़ी काढ़ी हती। जो वाकया हुआ इससे हम सब कश्मीरियों के लोग जो लोगों के सर शर्म से झुक गए। ये लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं, तमाम मुश्किलात के बावजूद ये लोग आते हैं और आज 7 लोग इसमें जान बहान हो गए। देखिए, टेररिस्ट को टेररिस्ट की भांति हम ट्रीट करेंगे सर। सर, ऐसे जो मासूमों के ऊपर अटैक करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कायरतापूर्ण हुमला ने मोदी करी निंदा, शब्दों में वर्णवी नहीं शकाय तेव दुख थयु। अमरनाथ यात्री को परना त्रासवादी हुमला ने लेने वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी वखूड़ी काढ़ी ऊंडा दुख की लागणी व्यक्त करी छे। आंगे हुमला अंगे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ट्वीट करीने शांतिपूर्ण अमरनाथ यात्रा ऊपर कायरतापूर्ण गणावी शब्दों में वर्णवी नहीं शकाय तेव दुख कर्यु छे। आ हुमला ने आकार शब्दों में तमाम स्तरे वखूड़ी काढ़वा जोईए। आवा कायर हुमला ने धिकार फैलावानी रीत सर सामे क्यारे नहीं जोए। वडाप्रधान मोदी जम्मू काश्मीर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री साथे बात करीने तमाम मदद की खातरी आपी छे। हुमला ने सीएम विजय रूपाणीए वखूड़ी काढ़ो, गुजरात ना तमाम कार्यक्रमों रखाया मौकूफ। आ हुमला ने पगले सीएम विजय रूपाणी हुमला की कड़क निंदा करी छे। मारे गयेला गुजराती यात्रियों ना मृतदेह ने एयरफोर्स ना विशेष विमान थी लावामां आवशे तेम मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जणाव्युं। तेमज मंगळवारे भाजपना तमाम कार्यक्रमो रद्द करवामां आव्या छे। अमित शाह नुं भव्य स्वागत एरपोर्ट पर करवामां आवनारुं, ज्यारे राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद पण गुजरात आवना हता त्यारे तेमना स्वागत नो कार्यक्रम रद्द करवामां आव्यो छे। हुमलाने पगले गुजरात में एलर्ट आपी देवाई छे। गुजरात नी GJ09Z9976 नंबर नी बस पर हुमलो करवामां आव्यो हतो। ते बस साबरकांठा जिला ना तलोद नी होवानुं प्रकाशमां आव्युं छे। जो के होम ट्रावल्स ने बस अमरनाथ यात्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड साथ रजिस्टर पर नीच कराया होने सामने आवी छे। तारे केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू आ घटना ने भूल थी लेने यात्राओं ने खास संभाल रखवानी सलाह आपी छे। जो घायल हुए उसको भी साथ में लेकर आए हैं और उसके साथ टोटल 51 लोग जो बस में थे, सब यात्री आज वापस यहाँ गुजरात में आ गए हैं और यहाँ हॉस्पिटल की सब इंतजाम हुआ है। जिनके स्वजन शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोग भी हैं और उनके गांव तक उनको पहुँचाने की भी व्यवस्था की है। और आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो घोषणा की कि गवर्नमेंट सहायता देगी, तो गुजरात के जो लोग शहीद हुए हैं सभी को 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उनको देंगी और जो इंजर्ड हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपया का सहायता करेंगे। और मैं बस ड्राइवर को
बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे जो कश्मीर से समाचार मिला कि उन पर फायरिंग हो रहा था, उनको एक गोली लगी, फिर भी वो बस को आगे लेकर सलामत स्थान पर उन्होंने 2 किलोमीटर दूर तक बस चलाकर बाकी लोगों की जान उन्होंने बचाई है, उनको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जरूर जरूर ब्रेवरी अवार्ड के लिए हम नाम उनको नॉमिनेट करेंगे। सीआरपीएफ इंस्पेक्टर जनरल गुलजीफिर हसन यात्रा शांतिपूर्ण रीते चालसे ने खातरी आपी कि यात्राओं ऊपर ना आतंकवादी हमला की तपास करवामां आवी रही छे। जम्मू और काश्मीर पुलिस द्वारा तपास करवामां आवी रही छे, ये थोड़ो समय लेशे परंतु अमने गुनेगारों ने पकड़ीशू। आईजी ए परेशन सीआरपी ने खातरी आपी हती। All this is a matter of investigation. It is being investigated by the Jammu and Kashmir Police and soon we'll know how it all happened. तो कुछ पता चल पाया कौन से संगठन ने किया है, कौन सा मिलिटेंट? दैट इज अगेन आई मीन इट विल टेक सम टाइम बट वी विल सून कम टू नो। अच्छा, अब हाई अलर्ट या कुछ इस तरह का घोषित कर दिया गया है? यात्रा इज गोइंग ऑन, वी हैव नॉट स्टॉप द यात्रा एंड वी विल। आतंकी हमला में अमरनाथ यात्री को ना मौत ने पगले जम्मू बंद नु ऐलान આપવામાં આવ્યું છે। સમગ્ર કાશ્મીર માં ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દેવામાં આવી છે। ત્રાસવાદીઓ હુમલો કરીને રફુ ચક્કર થઈ ગયા હતા। અમરનાથ યાત્રાનો 13મો દિવસ હતો। આ વખતની અમરનાથ યાત્રા કુલ 40 દિવસ સુધી ચાલશે। અમરનાથ યાત્રાના આતંકી હુમલાના મૃતકોને શ્રીનગર ખાતે જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યપ્રધાન મહેબુબા મુફ્તી અને રાજ્યપાલ દ્વારા સંપૂર્ણ સન્માન સાથે શ્રદ્ધાંજલિ અપાઈ હતી। ત્યારબાદ આતંકી હુમલાના મૃતકોના મૃતદેહ સાથેનું એરફોર્સનું વિમાન શ્રીનગરથી રવાના થયું। ત્યારે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા સુરત જશે, તેમજ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે માહિતી આપી કે મૃત યાત્રાઓને 5 લાખ રૂપિયાની સહાય કરાશે। ઇજાગ્રસ્ત યાત્રાળુઓને 2 લાખ રૂપિયાની સહાય અને સારવાર કરવામાં આવશે। મૃત અને ઇજાગ્રસ્ત યાત્રાળુઓને શ્રીનગરમાં ખસેડવામાં આવશે, જ્યાંથી તેમને મંગળવારે સવારે ખાસ બીએસએફ એરક્રાફ્ટમાં દિલ્હી હવાઈ મથક મોકલવામાં આવશે। અમરનાથ યાત્રામાં આતંકી હુમલાને લઈને રેલવે અને બસ સ્ટેન્ડ પર આરપીએફ અને સ્થાનિક પોલીસ સુરક્ષા વધારી દેવાઈ છે। ટ્રેનોમાં ખાસ ચેકિંગ માટે ટોમ બોમ્બ સ્ક્વોડ સહિતનો સ્ટાફ તૈનાત કરાયો છે। આ ઉપરાંત મુસાફરોના સામાનની ચેકિંગ કરવામાં આવી રહી છે। આતંકી હુમલામાં દરિયાઈ પેટ્રોલિંગ તેમજ સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા રસ્તા પર વાહનની ખાસ ચેકિંગ કરવામાં આવી છે। આ હુમલામાં બાદ સુરક્ષા આખરી વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે। ઘટનાને પગલે જમ્મુ શ્રીનગર હાઈવેને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે। જે બસ પર હુમલો થયો છે તે શ્રાઇન બોર્ડમાં રજીસ્ટર્ડ નથી, એટલે કે આ બસની સાથે કેટલીક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી હતી તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે।